कई सारे कार ओनर्स का ये कंसर्न रहता है कि वो अपनी कार से बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी नहीं निकाल पाते हैं। कंपनीज क्लेम करती हैं कि हम अपनी कार से 15 किलोमीटर पर लीटर, 20 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उनको ड्राइव करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी उससे काफ़ी कम रहती है। तो इसके कई सारे रीजंस हैं और आज इस वीडियो में हम उन रीजंस को समझेंगे और ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिसकी वजह से आप एक नोटिसेबल चेंज देखेंगे और आप अपनी कार से बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी निकाल पाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें अलग अलग यूट्यूबर्स ने बताया है कि ये करिए वो करिए, अलग अलग टिप्स दिए हैं, बट एक्सप्लेन नहीं किया कि उन टिप्स से आपको क्या हेल्प मिलेगी। तो विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वो फ्यूल एफिशिएंसी अचीव करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन ब्रीफली सारी चीजों के पीछे जो रीजंस हैं, सारे टिप्स के पीछे जो रीजंस है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप सेम चीज शॉर्ट्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से शॉर्ट्स अपलोडेड है, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। हर टिप का एक शॉट होगा, जितने भी मैं टिप्स शेयर करने वाला हूं उसके हिसाब से उतने ही शॉट्स होंगे, तो आप उनको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड किस पे करती है। तो हम सब जानते हैं कि हमारी कार का एक ही लौता ऐसा पार्ट है जो फ्यूल कंज्यूम करता है, वो हमारी कार का इंजन है, जो फिर बर्न होके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से हमारी कार के सारी चीजें फिर फंक्शन करने लग जाती हैं। तो मोटा मोटा कहें, इंजन ही एक ऐसी चीज है जो फ्यूल एफिशिएंसी को डिसाइड करता है। अब सारी टिप्स जो होंगी वो इंजन के अराउंड ही होंगी, तो आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि इंजन को कैसे हम बेस्ट कंडीशन में रखें, फर्स्ट। सेकंड, इंजन पे हम क्या करें जिससे कम से कम लोड पड़े, तो सारा इसके अराउंड ही है। तो इससे मेरी पहली टिप जो आती है वो है कि आपको अपनी कार को वेल मेंटेन रखना है, नई हो या पुरानी, ये टिप सब पे लागू होती है। इंजन की मेंटेनेंस फर्स्ट है, आपको टाइमली अपनी कार की सर्विस करानी है। जब आप सर्विस कराते हैं तो इंजन ऑयल अच्छी ग्रेड का यूज करें, जो आपके कार के मैन्युफैक्चरर्स रेकमेंड करते हैं उसी ग्रेड का यूज करें। मार्केट में बेसिकली तीन तरह के इंजन ऑयल्स आते हैं, जो फर्स्ट है वो मिनरल ऑयल है, जो सबसे लो ग्रेड का होता है, इसमें डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती, और ये हमें अगर किसी वजह से हम यूज करते भी हैं तो ये हमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कराना पड़ता है। नॉर्मली एक कार में 10,000 किलोमीटर या एक साल पे सर्विस चलती है, लेकिन अगर आप मिनरल ऑयल यूज करते हैं तो आपको वो दो या तीन बार साल में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑयल उतना एफिशिएंट नहीं होता, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो आप कोशिश करें या तो सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज करें। सेमी सिंथेटिक बेस्ट है क्योंकि वो हमें लॉन्गर प्रोटेक्शन देता है हमारे इंजन को, और उतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है सिंथेटिक के, और साथ ही साथ हमें बार बार सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंजन के साथ साथ बाकी सारी सर्विसेज भी कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे एयर फिल्टर्स को टाइमली रिप्लेस करना, ऑयल फिल्टर्स को चेंज करना, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली इंजन से कनेक्टेड है। एयर फिल्टर एक क्लीन एयर इंजन को सप्लाई करता है, जो कि अगेन कंबशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑयल फिल्टर ऑयल को क्लीन रखता है, अगर ऑयल में कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इंजन तक पहुंचने से रोकता है, तो ये चीजें भी क्लीन होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट टिप है, अपने इंजन को हमेशा मेंटेन रखें, एक हेल्दी इंजन ही एक अच्छी एवरेज आपको निकाल के देगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर टू पे। पॉइंट नंबर टू जो है वो है हमारी कार के टायर्स का एयर प्रेशर मेंटेन करना। अब आप बोलेंगे ये इंजन से कैसे लिंक्ड है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से एक डिसाइडेड एक एयर प्रेशर है, जो सारी कार्स के साइज के हिसाब से, टायर्स के साइज के हिसाब से, लोड के हिसाब से डिसाइडेड रहता है कि इतना एयर प्रेशर आपको रखना है, तो आपको उसी रेंज में हमेशा टाइम टू टाइम एयर प्रेशर को चेक करना है और उसको मेंटेन रखना है। जैसे मेरी कार में बोले तो 33 या 34 का एयर प्रेशर जो रेकमेंडेड है उसके अंदर रखना है। अब इससे क्या होता है, जो टायर्स हैं वो हमारी कार को रोड से कनेक्ट करते हैं, और जो एक डेडिकेटेड एयर प्रेशर है उसके हिसाब से एक जो रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट है वो रोड के साथ रहता है।
अब जितना भी एयर प्रेशर अगर मान लो कम होगा तो टायर एक तरह से फैल जाएगा, तो उसका जो सरफेस एरिया रोड के कांटेक्ट में है वो बढ़ जाएगा। अब क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा तो फ्रिक्शन उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इंजन को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पावर जनरेट करना पड़ेगा, इसकी वजह से इंजन ज्यादा ऑयल कंज्यूम करेगा और हमारी फ्यूल इकोनॉमी गिर जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रेशर को मेंटेन रखें। तो ये थी टिप नंबर टू। टिप नंबर थ्री है आइडलिंग करना, इंजन को ऑफ कर देना है। अगर आपका वेट टाइम एक मिनट से ज्यादा है, चाहे वो सिग्नल हो या कोई और कंडीशन हो, तो इससे भी आपको एक नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेगा। अगेन ये इंजन से कनेक्टेड है, क्योंकि आइडलिंग पे भी इंजन मिनिमम 500 से 700 आरपीएम पे तो काम कर ही रहा है और उसके लिए वो कंटिन्यूसली ऑयल बर्न कर रहा है। पॉइंट नंबर फोर जो है, ये अगेन एक बहुत ही इग्नोर्ड पॉइंट है जो लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो है आपकी कार में लोड को कम करना। अननेसेसरी लोड जो आपकी कार में है किसी भी तरह का, चाहे डिक्की में कोई चीज बहुत टाइम से पड़ी हुई है या फिर और कोई ऐसा सामान है जो मतलब यूज में नहीं आ रहा और कार में डला हुआ है, ऐसे लोड को आप कम करें, क्योंकि हर ग्राम मैटर करता है। हर लोड के हिसाब से कार को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है चलने के टाइम पे। अगेन ये इंजन से कनेक्टेड है, क्योंकि कार का जितना ज्यादा लोड होगा इंजन में वर्क करने की उतनी ज्यादा नीड होगी और उस नीड को पूरा करने के लिए ज्यादा ऑयल बर्न होगा और उससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी फिर से गिर जाएगी। तो लोड को जितना हो सके उतना कम रखें अपनी कार में, जो नेसेसरी है वही चीजें रखें, बाकी चीजों को आप कार में अननेसेसरीली ना रखें। फिफ्थ टिप जो है, जो जिसके अराउंड एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि अगर हम कार की एसी को बंद करते हैं और उसके बाद विंडोज को डाउन करके ड्राइव करते हैं तो इससे हमारा फ्यूल कम जलेगा और हमें अच्छी एवरेज मिलेगी। हमेशा जब आपकी कार आगे मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एयर का फ्लो जाता है जो इस पे ड्रैग फोर्स लगाता है, और ड्रैग की वजह से कार को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उस ड्रैग को ओवरकम करने के लिए। तो इस केस में अगेन इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा और उसके लिए इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा और उससे हमारी फ्यूल इकोनॉमी फिर से गिर जाएगी। तो बेटर यही है कि आप विंडोज को रोल अप करके ड्राइव करें और उस सिचुएशन में, हालांकि एसी ऑन करने से एसी तो फ्यूल कंज्यूम करेगा लेकिन वो कंपैरेटिवली कम होगा उस फ्यूल कंजम्पशन के जो कि उसे ड्रैग को ओवरकम करने के लिए यूज करना पड़ेगा। तो जो लास्ट पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स। आपको, आप कार को किस तरह से ड्राइव करते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप कैसी फ्यूल इकोनॉमी निकाल पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड रेविंग करते हैं, आरपीएम्स को 3000 उससे ऊपर लेके जाते, हमेशा आप हड़बड़ी में ड्राइव करते हैं, तो उससे इंजन पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जितना ज़्यादा इंजन को आप रेव करेंगे उतना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा इंजन और उससे आपकी इकोनॉमी कम होगी। तो बेस्ट क्या रहेगा, आप अपनी कार को हायर गियर्स में चलाएं, फोर्थ या फिफ्थ गियर में, प्रेफरेबली फिफ्थ गियर में चलाएं जहां भी आपको मौका मिले, और इंजन के आरपीएम्स को 1500 टू 2000 के बीच में ही रखें, उससे ऊपर ना जाने दें। इससे क्या होगा, इंजन बहुत ही स्मूथ चलेगा, इंजन पे कोई भी लोड नहीं रहेगा, एकदम नॉर्मल जितना लोड इंजन इजीली मैनेज कर सकता है उतना ही रहेगा और आपको वो बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी निकाल के देगा। हाँ, ट्रैफिक कंडीशंस में, सिटी कंडीशंस में ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उस केस में भी आप कोशिश यही करें, अगर आप लोअर गियर्स में भी हैं तब भी आप आरपीएम को 1500-2000 से ऊपर ना जाने दें। अगर उससे ऊपर जाता है तो गियर को अपशिफ्ट करें और फिर उसी रेंज में अपने कार के आरपीएम्स को रखें, तो आपको एक नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी तो देंगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ में आपकी कार का इंजन बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा क्योंकि इस इंजन पे कोई भी अननेसेसरी लोड नहीं पड़ा। तो होप इन सारे पॉइंट से आपको कुछ हेल्प मिल पाए, कुछ आपको नया सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट शो करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।